थकित को शांति का वचन भाई बक्सिंग के द्वारा फरवरी 26। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 पद। आपके जीवन में चाहे जो भी कांटा हो, उसे प्रभु की ओर से स्वीकार करें। वह कांटे को रहने देता है। यह आपको विश्वास में दृढ़ बनाने और आपको अधिक अनुग्रह देने का परमेश्वर का तरीका है। आप सोच सकते हैं कि पौलुस बहुत दृढ़ हो गया था, लेकिन उसने जाना कि वह कितना कमज़ोर था। केवल जब उसने अनुग्रह के बारे में सीखा तो वह अपनी कमजोरी के बारे में पूरी तरह जान सका। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 10 पद में वह कहता है, जब मैं निर्मल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हमें निर्बल रखने के लिए परमेश्वर एक कांटा भेजता है। हमें अपनी निर्बलता दिखाने के लिए वह हमें एक कांटा देता है और उसके द्वारा परमेश्वर हमें दृढ़ बनाना चाहता है, जिससे हम असहनीय कांटा कहते हैं। वह आपको अनंत काल के लिए आध्यात्मिक रूप से सक्षम बनाने के लिए है। यदि आप अपने कांटे के बारे में सोचते रहते हैं और कहते हैं, उस आदमी या उस औरत ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, आप पाओगे कि आपके हृदय में अनेक कड़वी जड़ें उठ रही हैं। तब आप क्रोध और घृणा को रास्ता देंगे और यह प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के लिए आपके बोझ को दूर कर देगा। आप अपना आनंद और शांति खो देंगे। कितनों ने प्रार्थना के लिए अपना बोझ खो दिया है। कटुता के कारण आप झगड़ने लगेंगे। आप प्रभु से कहते हो, एक या दो दिन में इस कांटे को नहीं हटाओगे तो मैं फिर से सभा में नहीं आऊँगा और ना ही प्रचारकों को देखकर मुस्कुराऊँगा। इस प्रकार आप प्रतिदिन प्रातःकाल परमेश्वर से लड़ते हो। वह सर्वभौम परमेश्वर है, जो वह हमें तीसरे स्वर्ग में नहीं सिखा सकता। वह हमें इस कांटे के द्वारा पृथ्वी पर सिखाता है। पौलुस जिद्दी नहीं बल्कि विनम्र था। वह जानता था कि वह कांटा उसे और भी विनम्र बनाने का उत्तर था। परमेश्वर का स्तर बहुत ऊंचा है। यही कारण है कि अब हम नहीं जानते कि हमारे सभी कांटों को एक उद्देश्य के लिए अनुमति दी जाती है। क्या आप अपने कांटों के लिए आंसू बहा रहे हैं? कृपया परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने के लिए पश्चाताप करें। कांटों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसमें आनंद लें और आप पाएंगे कि आपका आनंद कई गुणा बढ़ गया है। अब से आप अपनी गवाही को और अधिक सामर्थी और परमेश्वर की सामर्थ को आप में उतरते हुए पाएंगे। इन कांटों को अनुमति दी जाती है ताकि हम अनुग्रह से अनुग्रह और बल से बल तक बढ़ सकें। तब परमेश्वर हमें अपनी परिपूर्णता में लाएगा। अब देखो कि कैसे अनुग्रह और सच्चाई एक साथ चलते हैं। अनुग्रह और शांति एक साथ चलते हैं। अनुग्रह और महिमा एक साथ चलते हैं। इसी तरह अनुग्रह और शक्ति साथ साथ चलते हैं। हालांकि यह परमेश्वर की कृपा है, हम परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं। यह परमेश्वर के अनुग्रह से है कि हमारे पास परमेश्वर का सत्य है। यह परमेश्वर की कृपा से है कि हम उनकी सेवा करते हैं। केवल अनुग्रह के द्वारा ही हम वह हैं जो हम हैं। इसलिए हमें अनुग्रह देने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कांटे डालता है। यदि डॉक्टर आपको बताता है कि इंजेक्शन लेने से आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे, तो आप आसानी से इंजेक्शन लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने दर्दनाक हैं, लेकिन जब परमेश्वर बांह में अपना इंजेक्शन देते हैं तो आप कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं, यह बहुत दर्दनाक है, कृपया बंद करो। परमेश्वर का कांटा परमेश्वर का इंजेक्शन है जो हम पर अनुग्रह करने के लिए डाला जाता है। वह आपको यह कहते हुए उत्तर देता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है और आपका कांटा चाहे जो भी हो और कितना भी दर्दनाक हो, आप इन दो शब्दों में उत्तर पाएंगे, मेरा अनुग्रह। यह मत सोचिए कि आपका मामला अलग है। हम सभी के पास अलग अलग तरह के दुख होते हैं, पर उपाय वही ईश्वर की कृपा। वह कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है।
दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 पद।